الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों मस्जिदें इस्लामी किले होते हैं और इस्लाम की अलामतें हैं, इस्लाम का शिआर है। मस्जिद से उल्फत रखने वाले से अल्लाह उल्फत रखते हैं। मस्जिदें मुसलमानों की शान होती है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद की तरफ जो आता है उसके बारे में कहा गया है कि ईमानदार होने की गवाही दे दो कि जिसको देखो मस्जिद की तरफ जा रहा है तो उसके बारे में ये कह दो कि ये शख्स ईमानदार है। मस्जिदें मुसलमानों की जरूरत है। मस्जिदें फजूल चीज नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि भाई मस्जिद है और मस्जिद बनाई जा रही है ये फजूल खर्च हो रहा है तो ये कहने वाले सरासर गलत पर है कि मस्जिदें तो इस्लाम की शान है, अल्लाह की रहमत को खींचने वाली है। मस्जिद होगी अल्लाह की इबादत होगी, मस्जिद होगी अल्लाह की आवाज लगेगी, दीन की आवाज लगेगी, मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की आवाजें गूंजेंगी। और मस्जिद की आदान सुनकर शैतान भागता है, शैतान दौड़ लगाता है। जिस इलाके के अंदर और जिस बस्ती के अंदर और जिस जगह के अंदर अजान सुनाई देगी वहां पर शैतान नहीं आ सकता। जब तक अजान होती रहे वहां शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो अजान वाली जगह पर आ जाए। जैसे ही अजान शुरू होगी तो वो भागेगा। अल्लाह ने फरमाया मस्जिदों को कौन तामीर करता है, मस्जिदों को कौन बनवाता है,
मस्जिदों को कौन आबाद करता है? मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो मस्जिदों को, वो मस्जिदों की तामीर करते हैं, वो मस्जिदों को बनाते हैं, वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। मन अलिफ अल मस्जिद अलफ अल्लाह, जो मस्जिदों से मोहब्बत रखे अल्लाह उनसे मोहब्बत रखते हैं। मन बना लिल्लाह मस्जिद, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, बना अल्लाह लहु बैतन फिल जन्नत, अल्लाह जन्नत में उनके लिए घर बनाए। एक हदीस के अंदर यह आता है कि जो मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम कर दे, किसका इंतजाम कर दे, रोशनी का, लाइट का बल्ब लगवा दिया, लाइट लगवा दी जिससे मस्जिद को रोशनी मिल रही है, मस्जिद में रोशनी हो रही है। फरमाया हदीस में आता है अल्लाह पाक उसकी कब्र के अंदर, उसकी कब्र के अंदर रोशनी का इंतजाम कर दे। जो अल्लाह के घरों के अंदर रोशनी का इंतजाम करेंगे, कल जब ये मरेगा और इसको कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह इसकी कब्र के अंदर रोशनी का इंतजाम करेगा। सुन्नतें भाई बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा मौका दे देंगे तो साथी आकर बैठ जाए, बात हो रही है तो सुन्नत पढ़ने वालों को भी खलल हो। आगे बढ़ जाए भाई, ये पीछे जो बैठे हजरात आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ना सीखो, आगे बैठना सीखो, बार बार एक बात नहीं कही जाती भाई, आगे बढ़ आगे बढ़ो, अगली सफे मुकम्मल हो जाएगी, पीछे वालों की दिक्कत नहीं होगी। तो मस्जिदें इस्लामी किले हैं, शियार बताया, पहचान बताई मुसलमान, जिस इलाके के अंदर मस्जिद ना हो तो वहां कोई पहचान ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की पहचान मस्जिद है। तो इसलिए मस्जिदें ज्यादा से ज्यादा, मस्जिदें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और फिर उनको ज्यादा से ज्यादा आबाद किया जाए। ये नहीं कि भाई मस्जिद बना दी अब उसमें नमाज पढ़ने के लिए कोई आता है, ये भी गलत है। और इस वजह से भी मस्जिद को बनाना नहीं छोड़ा जाएगा कि भाई नमाजी तो आती नहीं है, तो इस वजह से मस्जिद का बनाना नहीं छोड़ा जाएगा, मस्जिद बनाई जाएगी और मेहनत की जाएगी कि मस्जिद आबाद हो, मस्जिद वीरान ना रहे। तो मस्जिद बनाना, असल मस्जिद को आबाद करना है, मस्जिद बनाकर छोड़ना नहीं है, मस्जिद बनाकर ये नहीं समझना कि हमने तो बस मस्जिद बना दी अब नमाज हमारे ऊपर जरूरी नहीं रही, हमने तो जी मस्जिद बना दी लोग नमाज पढ़ेंगे हमें सवाब मिल जाएगा और हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। जो मस्जिद बनाने में आगे बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा मस्जिद की आने की पाबंदी, नमाज की पाबंदी करेंगे और उनके साथ साथ बस्ती के अंदर मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करेंगे। ये जिम्मेदारी उन लोगों की, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है कि जो मस्जिद के बनाने में आगे बढ़े हुए हैं और खूब मेहनत करके लोगों से चर्चा करके मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद बनाने के बाद उनकी ये जिम्मेदारी है, खुद भी नमाज के पाबंद होंगे और बस्ती के अंदर मेहनत करके मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करेंगे। तो ये आखिर तक जिम्मेदारी है, मस्जिद को बना देना और बस छोड़ देना।
कि ये कमाल नहीं, मस्जिद का बनाना कमाल नहीं, मस्जिद को आबाद करना है। मस्जिदें ये दीन की जरूरतें हैं, मदरसे ये दीन की जरूरतें हैं। तो दीन की जरूरतों का पहला दर्जा है, इस बात को ध्यान से सुनना है। दीन ये सारी दीन की जरूरतें हैं, मस्जिदें एक दीन की जरूरत, मदरसे एक दीन की जरूरत है। तो दीन की जरूरत दुनिया से पहले है, दीन को असल कहा गया है, और दीन दुनिया और आखिरत में दोनों जगह काम आया है। दीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और दीन की जरूरतें मस्जिद और मदरसे से पूरी होगी। तो ये दोनों मदरसे और मस्जिदें, ये दोनों इस्लामी किले और मुसलमानों की एक शान है। मदरसों के अंदर दीन पढ़ा जाता है, मदरसों के अंदर दीन पढ़ा जाता है, दीन हासिल किया जाता है, और मस्जिद के अंदर दीन पर अमल किया जाता है। मस्जिद के अंदर जो कुछ हासिल किया है मदरसों से लेकर, मस्जिद में अमली जामा पहनाया जाता है। ये जो दीन सीख कर आएगा, दीन पढ़ कर आएगा, नमाज सीख कर आएगा, तो मस्जिद में आकर नमाज अदा करेगा। अब वो अल्लाह के घर को आबाद करेगा। जिनको बेचारों को नमाज ही नहीं आती, जो नमाज ही नहीं सीखे, तो फिर बताओ वो कतराएंगे मस्जिद में आने से। वो कहेंगे जी हमें भेज दिया जाए, कैसे जाए मस्जिद में नमाज पढ़ने। बहुत सारे लोग इसलिए मस्जिद में नहीं आते कि जी हमें तो कुछ आ जाए नहीं, कुछ करने का पता नहीं। तो फिर ये कहने से काम थोड़ी चल जाएगा कि नहीं सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए निकलो, बच्चों के लिए छोटा मदरसा और बड़ों के लिए अल्लाह का रास्ता, ये जमात का रास्ता। कि बड़े अब मदरसे में नहीं जा सकते, अल्लाह ने एक इंतजाम किया कि अपना वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले और यहां जाकर दीन मोटा मोटा दीन सीख कराए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिदें और मदरसे ये दीन की जरूरतें हैं, और दीन की जरूरतें दुनिया की चीजों से पहले है। स्कूल, हॉस्पिटल, मुसाफिर खाने, होटल, ये सारी चीजें दुनिया की जरूरतें हैं। ये सारी चीजें ये दुनिया की जरूरतें हैं। दुनिया की जरूरतों का दर्जा बाद में है, पहले दीन का है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप मस्जिद को छोड़कर आप हॉस्पिटल बनाए, आप मस्जिद को छोड़कर धर्मशाला या जो है मुसाफिर खाना का नजम करें। ये नहीं कहा जा सकता कि मस्जिदें बनेंगी और हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे, मुसाफिर खाने भी बनाए जाएंगे, और जो भी स्कूलें भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा दुनिया की जरूरत की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी बनाई जाएंगी। वो कैसे बनेगी? वो मस्जिद को रोक करने बनेगी। हाँ, वो अपनी हलाल कमाई, हलाल पैसों का सही इस्तेमाल करके बनाई जाएगी। हम अपनी कमाइयों को गलत चीजों पर जो लगा रहे हैं वहां से बचाओ, मस्जिदों से मत बचाओ। कहां से बचाओ अपने पैसों को? वहां से बचाओ जहां फिजूल लग रहा है। अपने पैसों को वहां से बचाकर हॉस्पिटल बनाओ,
अपने पैसों रुपयों को वहां से बचाकर मुसाफिर खाने बनाओ, अपने पैसों को वहां से बचाकर स्कूल कायम करो जहां पैसा हमारा हराम में जा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी पर जा रहा है, जो लाखों पैसे हम बिया शादियों के अंदर हराम में लगा रहे हैं, जो 50-50 हजार रुपए के हम पटाखे बजा रहे हैं, वहां से अपने पैसों को बचाओ। जानकारियों के अंदर ईश्वर के तौर पर हराम पैसा देते हैं, रिश्तेदारों को दे रहे हैं, वहां से 50 हजार रुपए बचाओ, वहां से बचाओ, वहां से लाखों रुपए हराम के बचेंगे। हर आदमी एक लाख रुपए वहां से बचाएगा, हजार आदमी होंगे तो जोड़ लो कितने जो है करोड़ रुपए हो जाएगा। इन करोड़ रुपयों से आप हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, मुसाफिर खाने भी बना सकते हैं और स्कूल भी कायम कर सकते हैं। यहां से बचाओ मेरे भाई, ये फजूल जो लग रहा है, मस्जिदों से मत बचाओ, मस्जिदें बनाओ, मस्जिदों को बनने दो, ये अल्लाह के घर है, ये अल्लाह के घर आबाद होंगे, लोगों को दीन मिलेगा, लोग आएंगे अल्लाह के घरों के अंदर, दीन की फिजा कायम होगी, अल्लाह की आवाज लगेगी, कलमे की आवाज लगेगी, सुन्नतों की आवाज लगेगी और शरीयत की आवाज लगेगी, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। कि ये होने दो, यहां से पैसे मत बचाओ, पैसे अपने यहां गलत काम से हराम चीजों से बचाओ। लाखों रुपए हम सोने पर खर्च कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को हम सोने की अंगूठियां देकर और उनके हाथों के अंदर जहन्नम के अंगारे जो पहना रहे हैं, यहां से अपने पैसे को बचा जाए, बहुत पैसे बच जाएंगे। जो गलत पैसे हमारे लग रहे हैं, यहां से पैसे बचाकर हम ये सारी दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद को नहीं छोड़ा जाए, मस्जिद इस्लामी शियार है, तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लोगों के जहन में आई है, बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों को अपने हॉस्पिटल बनाने चाहिए, अपने मुसाफिर खाने बनाने चाहिए, अपने स्कूल बनाने चाहिए, बहुत अच्छी सोच है, मुबारक हो इसी सोचों को। लेकिन मस्जिद को रोक कर नहीं, अपनी हराम, अपनी कमाई जो हराम जगहों पर गलत जगहों पर लग रही है, वहां से बचाकर बना लो, बन जाए हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएंगे, गलत जगहों पर पैसे लगने से हमारे बच जाएंगे और ये दुनिया की जरूरतें भी हमारी पूरी हो जाएंगी। अकलमंद और होशियार लोग वो अपने पैसों को गलत जगहों पर नहीं लगाते। हम जो है दूसरे इलाकों की तारीफ करते हैं, उन इलाकों में उनके खुद के हॉस्पिटल हैं, खुद के मुसाफिर खाने हैं, खुद के जो है स्कूल हैं, तो वह हमारी तरह जो है ना पैसे हराम जगहों पर नहीं लगाते, गलत जगहों पर नहीं लगाते, फजूल नहीं लगाते, वो इन चीजों पर लगाते हैं, इसलिए उनके यहाँ समझदारी उनके अंदर है, ये बेवकूफपना है, खून पसीने से कमाई कब, खून पसीना रात दिन एक करके आदमी कमा रहा और फिर जो है 50-50 हजार रुपए क्या कमा, दिल में कुछ एहसास भी नहीं है, कितने मुश्किल से मैंने कमाया और मैं आज इन पैसों की आग लगा रहा हूं, पटाखे बजा रहा हूं, रिश्वत के तौर पर थाली में दे रहा हूं और सोनों की अंगूठियां पहना रहा हूं। कभी इसको सोचा दिल के अंदर, कभी इसका एहसास हुआ मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कमाई को कहां लगा रहा हूं, मुझे इसके पीछे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कब्र के अंदर सांप बिच्छू और जहन्नम के अंदर आग के अंगारे मिलेंगे उनके अंदर। अरे अपने पैसों को बचा कर चीजों पर लगा, मदरसों में लगाओ, मस्जिदों में लगाओ, मुसाफिर खाने बनाओ, स्कूलें बनाओ,
और हॉस्पिटल बनाओ, सारा काम करो। समझदारी की बात है, अगर कुछ करना है। वरना मेरे भाइयों, हमने अपने आप को नहीं संभाला तो इसी तरीके से गुलामाना जिंदगी गुजारते रहेंगे। अपने आप को अरे अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, वक्त है। फिर आगे का जमाना तो कुछ और बता रहा है, फिर हाथ से निकल जाएगा तो क्या करेंगे। अब भी मौका है हमारे पास, अब भी हम समझ जाएं और अब भी हम बेदार हो जाएं और अब भी हम सोच रहे हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से चलना है, दुनिया और आखिरत इन दोनों को लेकर कैसे चलना है, दीन और दुनिया को लेकर कैसे चलना है, कि अब भी समझने का मौका है। ये बहुत बड़ी समझदारी हो कि अब भी हमने अपने आप को संभाल लिया। अब भी अगर हमने अपने आप को संभाल लिया तो ये बहुत बड़ी समझदारी है। इसलिए बुजुर्गो, हम जमाने की नजाकत को देखें, मुल्क की नजाकत, मुल्क के हालात को देखें, इन सारी चीजों को देखकर हमें कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। अपनी सोचों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को सही करो, उसत पैदा करो अपनी सोच के अंदर। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, अच्छी तालीम, दीन की पूरी तालीम दो। सबसे पहले ये है, उनको दुनिया की तालीम दो, लेकिन पहले दीन, पहले उनको मुसलमान बनाओ, दीनदार बनाओ। उसके बाद आप कुछ भी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन दीन के दायरे में रहकर ही बनाना, ये असल है। दीन के दायरे से निकल कर उसके अंदर रहते हैं।